हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे हाउ चाइनीज पीपल सेलिब्रेटेड न्यू ईयर इन शंघाई चाइना। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इनका न्यू ईयर डिफरेंट नहीं होता किसी और टाइम? नहीं, न्यू ईयर तो नहीं, उनका चाइनीज न्यू ईयर है। देखो आप, सुबह सुबह ही कितनी हो चुकी। वाह, भीड़ देखो। ओहो, क्या भीड़ है। ये जगह क्या है? स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज का दिन बड़ा ही खास है। आज है 31 दिसंबर 2000। सब बाहर निकले हुए 2024, मतलब यहाँ पे मैं चाइना में हूँ। लगभग 10 घंटे बाद लागू हो जाएगा 2024। दोपहर के बज रहे हैं 2। अच्छा, और आज मैं आपको माहौल दिखाने की कोशिश करूंगा चाइना की स्काईलाइन पे क्या माहौल रहता है, पटाखे वटाखे बजते नहीं बजते, चाइनीज लोग कैसे न्यू ईयर से। ये इनके ट्रेन स्टेशन है क्या है? स्क्रीन्स देखो, पूरे पूरे वो जो बनाए हैं, क्या बड़े बड़े जो यहाँ पे वो टाइम स्क्वायर में दिखते हैं, या लास वेगस नहीं, वो कहाँ गए थे हम, लास वेगस ही वहाँ दिखते हैं, वो यहाँ देखो मेन स्ट्रीट जो है नानजिंग स्ट्रीट। नानजिंग, अच्छा ये शंघाई है ना, शंघाई तो उनकी मेन सिटी है। यहाँ पे लगा रखा है, वहाँ पे भी एक पेड़ सा ही है। ये वो पीछे वाला तो काफी होने लग रही है। भीड़ बहुत है यार, भीड़ तो बहुत है। सफोरा, M&M सब कुछ है इनके भी यहाँ। वहाँ पर भाई चलते चलते की मार्केट मिल गई, खाने की मार्केट, देखते हैं क्या क्या। इंग्लिश में लिखा है, हर चीज को स्टिक में फंसा देंगे और फिर बेचते हैं। ये देखो वहाँ भी सीख कबाब से बना देते हैं हर चीज का। ऑक्टोपस सीख कबाब देखना। अरे भाई मैं ऐसे नहीं देखा सकते जब तक पता ही ना हो क्या हो। ये देखो मुझे ऑक्टोपस का बना दिया सीख कबाब। ये क्या ट्रेन सीख बैग बना है? ट्रेन सी है, जैसे चाइनीज ट्रेन के अंदर ही उसने वो वैसा बना के खाने का। भाई न्यू ईयर वाले दिन तो भीड़ ही इतनी, देखना ट्रेन है, ट्रेन पांच लगी हुई है, पांच केबल की। स्टेशन पे कम से कम पांच जगह, अरे इसके पीछे भी है पांच मशीनें और। वाह, इधर भी उधर भी इतनी भीड़ है आज। भाई न्यू ईयर पे क्या चल रहा है लोग देखो, बॉय गॉड 4:30 इनकी भीड़ तो टाइम स्क्वायर से भी ज्यादा होगी। देखना भाई सब लोग फोन निकाल निकाल के पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा जैसा तो बोले नहीं जाना इतनी भीड़ में, फायदा ही नहीं। तो कैसे जा रहे हैं तुम, इधर से उधर जाना, तुम्हें जाने का है ही नहीं कहीं। भाई देखो पूरी रोड पे चाइना के मिलिट्री गार्ड्स खड़े हैं, उस तरफ भी क्यों खड़े हैं, रोड क्रॉस कराने के लिए लोगों को, क्योंकि लोग रुकेंगे नहीं और ये रोड ब्लॉक हो जाएगी। कैसे खड़े हैं उनको देख के डर लग रहा है, पता नहीं कौन पकड़ ले। धमाके से नहीं है ना? वही तो, मुझे तो डर लग रहा है पकड़ ले। वैसे तो खड़े भी ऐसे हैं जैसे रेडी है पकड़ने के लिए, तो लोग ट्रैफिक ही रोक देंगे, इतनी भीड़ है इस टाइम पे। बाप रे, ये ठीक है जो बैठे हैं वो येलो वाली जैकेट्स में, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। क्या यहाँ से कुछ और हो रहा है वहाँ पे? तो डरावनी लग रहा है, कर क्या रहे हैं? सबको पीछे सरका दिया ट्रैफिक आते ही। कोई आ रहा है क्या? अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो पहले क्या था? पीछे सरकाना पड़ रहा है। देखो भाई पूरी रोड पे खड़े हैं, बीच की पूरी लेन, मैं तो गाड़ी में तो देख रही हूँ पूरा उनके पास सब कुछ है, गुची वूची सारे लग्जरी ब्रांड्स, और स्क्रीन्स देखो कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे भी नहीं देखे गुची वूचियों में। कम से कम भाई 40 से 50 पुलिस वाले खड़े थे यहाँ भी, वहाँ 10-15 पुलिस वाले। चाइनीज तो पढ़नी और आती होगी, मैं तो नहीं जा सकता लोगों को रोकने के लिए। भाई कांट ऑपरेट होगा तुम्हें चाइनीज जाने के लिए। इसी बात जगह जगह तो मिलिट्री खड़ी है, कर रहा था कि लोग रुकते ही नहीं है, वरना पेडेस्ट्रियन इतने सारे हो जाते हैं सारी गाड़ियों को रोक देते हैं। देखो पूरी अभी भी लेन पूरी यहाँ पे सारे पुलिस वाले खड़े पड़े हैं हर जगह में, बोली दोनों तरफ खड़े हैं, हर ऐसे चौराहे पे भाई पुलिस की तरह वो स्टैचू की तरह ऐसे खड़े हैं, आदमी नहीं ऐसे खड़े हैं स्ट्रेट, पुलिस हिल ही नहीं रहे। बाप रे, इनको देख के कौन न्यू ईयर मनाएगा? हम सोचते हैं डर ही लग रहा है कि यार पुलिस वालों की वीडियो बनाऊंगा तो रोकेंगे टोक देंगे मेरे को फॉरेनर देख के, पर एक भी पुलिस वाले ने मेरे को टोका नहीं कि भाई यहां वीडियो मत बनाओ, ये मत। तो कहां बनाओगे, तो सारी जगह ही
मेरे को उम्मीद थी कि चाइना में तो एटलीस्ट टोकेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं जहाँ से पूरी शंघाई की स्काईलाइन दिखती है, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा क्या माहौल है। दोनों तरफ फेस किया है उस साइड, इनका ये देखा है एक साइड सिर्फ जाने की है, उस साइड से सिर्फ उस साइड जाओ, ये एक बनाया है उन्होंने सिस्टम। कोई उल्टा चला गया तो उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। सामने आ गए भाई शंघाई की स्काईलाइन, स्ट्रेटोस्फीयर लग रहा है। मौसम यार पता नहीं क्या ही है यहाँ पे, ठंडा मौसम है, धुंध तो देखी नहीं है। ओमेगा का शोरूम है, पता नहीं कैसे क्या जा रहा है, जगह जगह तो पुलिस वाले। न्यू ईयर क्या बनाओगे डर के? सारी यूरोपियन टाइप बिल्डिंग लग रही है, ठंड काफी है, ठंड काफी कोल्ड है, धुंध सा मौसम है, अच्छा वाला नहीं मौसम, ठंड के ग्लूमी ग्लूमी सा, क्योंकि अभी तो कोई फायदा है नहीं, वैसे भी धुंधी है। हाँ वही धुंध है। बंदे कितने हैं? कितनी ज्यादा है। बाप रे, चाइना में कर क्या रहे हैं ये सारे? ये यहाँ आके कर क्या रहे हैं? कुछ शॉपिंग करने आए हैं? अभी चढ़ जाऊंगा फिर वापस उतरूंगा। नहीं यहाँ फायरवर्क्स होंगे शायद, चल जाओ कुछ, शाम को और भीड़ हो जाएगी। इतनी भीड़ तो हमने कहीं भी नहीं देखी। वापस ही चलते हैं अभी तो, मेरा होटल ही है कुछ 1.5 किलोमीटर, रास्ते में काफी चीजें दिखेंगे वो दिखाऊंगा। तो एक छोटी बारिश हुई है क्या नीचे? वीडियो में कल ही डाल दूंगा क्योंकि आज न्यू ईयर है, कल डालने का ही फायदा है। न्यू ईयर इनका ऐसे बनता है, इतनी भीड़। तो आज भाई 2023 एंड चल रहा है और मैंने 2017 अक्टूबर में जर्नी की शुरुआत करी थी अपनी, 6 साल हो चुके, 115 देश में घूम चुका, वाह, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके भाई, वाह। तो आप लोगों ने जो छोटा चैनल मेरा फॉलो किया होगा उस पर मैंने बताया था कि मेरा मन है, 10 चीज़ें मैंने बताई थी जहाँ जहाँ मेरा जाने का मन है, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी पूरी कर चुका हूँ। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। उनमें से एक चीज़, कौन कौन से अलग अलग देशों में जाते हैं, वो है एंटार्कटिका। चलना मैं नहीं अरेंज करने जा रहा, कुछ करना स्टोरी पे, मैं सिर्फ चार पे चलूंगी, मैं व्लॉग्स बनाऊंगी। फंड करना चाहता है मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर फंड करें तो कर सकते हो, मैंने UPI ID दी थी तो विद इन 24 आवर्स ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज लोगों ने फंड कर दिए थे मेरे को, एंटार्क्टिका जा और हमको दिखा कि एंटार्क्टिका कैसा है, खुद भी देख हमको भी दिखा, क्योंकि 115 देश में घूम चुका हूँ, सारे देशों की वीडियो बनाई है, सारी वीडियो डाली है। एंटार्क्टिका आज तक 1 रुपया किसी से नहीं मांगा भाई कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो फिर मेरे पैसे दो या फिर मतलब सब्सक्रिप्शन ले लो। डर ही लगता है जब वो चलती है, जैसे वीडियो हमेशा मैंने फ्री रखी है भाई अपनी, जितना भी यूट्यूब से आता है, ब्रांड से आता है, स्पॉन्सर से आता है, वो सारा मैं ट्रैवल पे ही खर्च कर देता हूँ। कोई मैं डेली ब्लॉगर भी नहीं हूँ भाई कि मैं डेली घर पे बैठ के ब्लॉग बनाता हूँ, कोई खर्चा नहीं है और जितना ज़्यादा सेविंग्स हो जाता है जी नहीं भाई। यहाँ पे शंघाई में मैं घूमने लग रहा हूँ, खर्चा होता ही रहता है, अभी मैगलेव ट्रेन की वीडियो बना के आया, तो हर मतलब हॉस्टल में कदम रखने से लेकर हॉस्टल में घूमने से लेकर हॉस्टल से बाहर निकलते से लेकर ट्रैवल ब्लॉगर का खर्चा होता ही रहता है। खत्म हो गया क्या? बस का बहुत शुरू हो रहा है हमको भाई, अभी तो होना ही नहीं होता है, लोग बड़ी तेजी से भाग रहे हैं उस तरफ। अगर आप में से लोग उल्टे हो गए, पहले सब इस साइड आ रहे थे, सालों से बंदा हमको कंट्री दिखाया जा रहा है, कोई आप घूमा ही हो मेरे मतलब वीडियो देख के कि भाई हाँ इसकी वजह से मेरे 100, 200, 300 रुपए कुछ भी बचे हों, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एंटार्क्टिका मेरी ट्रिप फंड कर सकते हो, जितना भी कंट्रीब्यूशन भाई पूरा बताऊंगा कितना क्या लगेगा, कितना क्या लोगों से आया है, कितना मेरा खर्चा हुआ है। लगभग मेरा अंदाज है कि हिसाब से एंटार्क्टिका आने जाने का खर्चा इंडिया से लगभग $10,000 के करीब लग जाएगा। उतना यार मैं खुद की जेब से तो खर्चा कर ही नहीं सकता हूँ, 10,000। और ये मान लो यार कि इतने अमीर अमीर फिल्म स्टार्स की हम फिल्म देखने चले जाते हैं और 300-300 रुपये की टिकट ले गए, 500-500 रुपये की टिकट ले गए, उनकी तो हम फिल्म देखने चले जाते हैं, अमीरों को तो हम और अमीर कर देते हैं। और मैं कोई अमीर होने के लिए पैसे नहीं मांग रहा भाई, ये सिर्फ एंटार्क्टिका के लिए मांगे क्योंकि मेरी बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है, मैं आप लोगों की मदद के बिना नहीं जा सकता एंटार्क्टिका। पैसिफिक आइलैंड चले गए, अपना कैरेबियन आइलैंड चले गए, पर अमीर और मैं 10-12 लाख रुपए उन आइलैंड पे खर्चा आ गया, मैंने कोई नहीं है। तो मेरा मन है एंटार्क्टिका भी मेरा मन है, पर मेरे बजट से भाई बहुत ज़्यादा बाहर है वो। अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ 1 मिलियन में पहुँचने के बाद भी, क्योंकि ट्रैवल ब्लॉगर के पैसे नहीं बचते हैं कि मैं 8-10 लाख रुपए खर्चा कर दूँ सिर्फ एंटार्क्टिका जाने के लिए, उतने रिकवर भी नहीं होने हैं वीडियो से, मेरे को पता है। और ना मेरा चैनल कभी यूट्यूब ने ऐसा बूम किया कि भाई मतलब मेरे बाद भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स आए जिनका मतलब एकदम से ही बूम हो गया, एकदम से उन्होंने 1 साल में इतने पैसे कमा लिए कि मैं मतलब 5 साल में भी नहीं कमा, क्योंकि मेरा कभी बूम नहीं हुआ चैनल। तो
जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। यूपीआई आईडी में नीचे लिंक में डाल दूंगा, और मैंने कल इंस्टाग्राम पे बता भी दिया कि विद इन 24 आवर्स लगभग 59,000 रुपीज़ आए थे, उसके बाद भी आए जा रहे हैं, अभी तक शायद 65,000 आ गए होंगे। अभी मतलब एक दो घंटे पहले ही अपडेट किया था मैंने। तो मेरा बजट है एंटार्क्टिका को लेके $10,000 का, इससे कम में करने की मैं कोशिश करूँगा, जितने कम में करने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही मतलब इतना बजट आ जाएगा वैसे ही हम डोनेशंस रोक देंगे। और एंटार्क्टिका यार आप लोगों को ही वीडियो देखने को मिलेंगी, कम से कम 10 से 12 में वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों का एंटरटेनमेंट ही होता है उस चीज़ से। किसी बड़े फिल्म स्टार की फिल्म देख के आते हैं यार, उसको अमीर कर देते हैं, एक मिडिल क्लास बंदा सपोर्ट मांग रहा है, तो कर देना अगर हो सके तो, जितना आपसे हो सके उतना बहुत है। 20,000 लोगों ने शायद मेरी स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, और अराउंड 65,000-70,000 आ गए, मतलब पर बंदा 3 रुपये करीब, मतलब सबने तो नहीं किया, 500-600 लोगों ने डोनेट किया है, मैक्सिमम एक बंदे ने 2,000 की डोनेशन दिया है, जो कि मतलब मैक्सिमम काफ़ी सारे बंदों ने, 15-17 बंदे थे जिन्होंने 1,000-1,000 रुपये दिए, 20-25 बंदे थे जिन्होंने 500, किसी ने 1 रुपये, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये, तो ऐसे करके हम, मैं चाहता हूँ कि भाई हिंदी व्लॉगिंग में मतलब जो मेजर ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उसमें सबसे पहले जाके मैं एंटार्क्टिका आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि सारी कंट्रीज तो अपनी हो ही जाएंगी 197 में सबसे पहले करूंगा, ये मैंने वादा कर रखा है। वहाँ भी पुलिस खड़ी है जो बोल रहे हैं, और वो वहीं खड़ी है, देख रही है, मेरी रोबोट की तरह खड़ी है, जी भी इंसान ही नहीं लग रहा है ऑलरेडी अर्जेंटीना का, आप चाहो तो रोबोट की तरह खड़े रहते, डर लग रहा है हमको देख के, अपडेट देता रहूंगा कि भाई जैसे मिलिट्री वाले हैं, उनकी मिलिट्री का ट्रिप का क्या, पुलिस मिलिट्री, सबसे पहला स्टेप अटेंशन में खड़ा, $1,000-$200 चलते हुए तो ऐसे आते जैसे को पकड़ के लेके जाने वाले किसी को, परेड कर रहे हैं चाइनीज सोल्जर्स, बड़ा डर लगता है जैसे चलते हुए मार्चिंग, देयर ऑन अ पुलिस, उनकी मिलिट्री है सारी, क्योंकि हमको पहले अर्जेंटीना जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 10,000 रुपए का, घबरा तो क्यों होगा, पता नहीं कुछ होता है मिलिट्री क्या करती रहती है, सारा मैं अपने खर्चे से करूंगा भाई, उसमें मैंने आज तक किसी कंट्री के लिए कोई पैसा नहीं मांगा है। शेंगेन के बाद हम फ्लाइट लेके जाएंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में लैंड होने के बाद फ्लाइट लेंगे हम साउथ पोल, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर के सबसे जो नीचे एक और खड़ा है, थोड़े से डिस्टेंस पे, हां थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे खड़े, और सीधा बस वो खड़े हैं, वो खड़ा है, ओह माय गॉड, अपने पास हर थोड़े डिस्टेंस में ये हम ट्रिप कर पाए, मॉनिटर करते रहते हैं हम जनता को, लगता है भाई इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, 6 सालों में थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट किया हो मैंने आप लोगों का, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई ये मैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे आ गया था, ये कहां गए, यहाँ यार मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है, बहुत ज्यादा अजीब धुंध है इतनी, मतलब अभी तो लाइट रात का टाइम भी तो हो रहा है ना, शाम का टाइम होगा यहाँ कुछ होने है क्या, मेरे हॉस्टल का हाल देख लो आज, हॉस्टल फुल भरा पड़ा है, रहने की जहाँ रहते हैं यहाँ से, अब भाई मेन रोड तो वो वाली है, वैसे जाके लेफ्ट जाओगे तो आप बुंड पे पहुंच जाओगे, पर मैं उस वाली से नहीं जाऊंगा भाई, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, हॉस्टल है हॉस्टल कौन सा, यहाँ पे आराम से शंघाई की जहाँ सस्ता रहना भी होगा, और सब एक रूम में 2-3 बंदे रह सकते हैं, भाई वापस उसी स्ट्रीट पे आ गया, मैंने कहा आज बिल्डिंग है देखो, आज के दिन भीड़ से बचने का तो क्या मतलब, वैसे वही तो मैं कह रही हूँ, वैसे चलते हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है भाई बुंड, तो भीड़ बड़ी है, भीड़ भी बेटर देन यूएसए, भाई ये जो स्टैंड है ये लॉटरी का स्टैंड है, ओ लॉटरी का, यहाँ भी सारे लोग अपना लक आजमा रहे हैं, कल तो इनको भी यहाँ पे लत लगी हुई है, एक बंदा नहीं खड़ा था यहाँ पे, सब न्यू ईयर में सोच रहे हैं कुछ निकल आएगा, सब लोग लॉटरियाँ, मुझे तो समझ भी नहीं आती लॉटरी चलती कैसे है, नंबरिंग क्या होता है, एक बंदा ही था कल, आज सारे मतलब सोच रहे हैं, आज सब ले रहे हैं, सबको लग रहा है न्यू ईयर में हमारी किस्मत चमकेगी, कितना सुंदर, ओए होए मिलिट्री देखो यार, ब्लिंक भी हो रहा है उनके यहाँ, कुछ लगा हुआ ब्लिंक भी हो रहा है कुछ, जैसे पुलिस का कुछ ब्लिंक, बहुत डरावनी है, मिलिट्री मिलिट्री हर जगह बैठा हुआ है, सामने अपना दाबोन, ये लोगों को इतनी आदत होगी उनको फील ही नहीं हो रहा, नहीं मगर लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तभी तो मिलिट्री रखे कोई बोले कुछ करे उसी को पकड़ने के लिए, 12 बजे है ना यहाँ बैठा हूँ, ऐसे अभी 1.5 घंटा पड़ा है फोन चला रहा हूँ, लाइटें लगी ना वहीं पे भाई, बैठे बैठे थक गया मैं तो, और देखो पहले एक लाइन थी बस जहाँ मैं बैठा था यहाँ बैठा था, अब 2 लाइनें और बन गई, होना क्या है, किस लेवल पे पहुंच गए कि लोगों को नहीं मिल रही है, पटाखे पटाखे चल रहे हैं कुछ ऐसा है, पीछे देखो कितना सुंदर यूरोपियन लग रहा है, जैसे यूरोप ऐसा है, चाइनीज तो कुछ लुक नहीं आ रही, कोई बोट आई है, बोट कहाँ से आ गई एकदम से, वो भी वो अपनी न्यू ईयर मना रहे हैं वहाँ पे, अमीरों का वोट होगी, शी जिनपिंग तो नहीं बैठा न्यू ईयर मना रहा,
वहाँ तो ऐसे बोल भी नहीं सकते, मिलिट्री उठा के ले जाइए, है ना। ये पार्टी हो रही है, वोट की हमें पता नहीं, अमीर अमीर होगा सिस्टम है यहाँ पे, वरना इसी वोट की टिकट लेके चलते हैं। टिकट वाली वोट है कि कोई लाइट ऑन हो गई है? हट जाओ भाई, हट जाओ। हाँ देखो कितनी सुंदर लग रही है बिल्डिंग सी, लाइट ऑन बचा है। एक मिनट टोटल, एक मिनट। अच्छा यहाँ न्यू ईयर पे होगा ना जब 12 बजे कर रहा होगा, कुल मिला के एक मिनट बचा है भाई, भीड़ देख लो पीछे, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त है। अब ये चिल्लम चिल्ली तो शुरू कर देंगे सारे, यूएसए में भी कहीं ऐसा नहीं दिखता, पता नहीं सारे इस तरफ क्यों देख रहे हैं। मना तो कर दिया कि भाई पटाखे वटाखे नहीं बजेंगे, कि मेरी इन्फॉर्मेशन है पटाखे यहाँ नहीं बजने वाले, वरना तो मजा ही आ जाता है यार। तो फिर क्या होगा? मैंने नहीं देखा, फिर क्या देखने हैं? साल हो गए घूमते हुए कोई भी शो, मतलब पटाखे वाला पता नहीं कहाँ ही रहता हूँ, अगले साल पक्का देखेंगे तो होगा क्या फिर यहाँ पे पटाखे नहीं चलने को लग रहा है। ऐसी बैठे हैं मुझे, कुछ ना कुछ तो होगा, वरना लोग यहाँ पे क्या करने, क्या होगा वही तो पूछ रही हूँ। पटाखे ही होने वाला है भाई, देखते हैं। 10 सेकंड रह गए शायद, दुनिया तो इतनी आई हुई है। पिलर पे 1 2 3 4 करेंगे या कोई ड्रोन शो करेंगे या कुछ बोल तो रहे, मगर होगा। अच्छा ये ड्रॉप हो गया यहाँ से, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है? क्या हुआ? हो गया भाई, बड़ा ही बेकार नहीं, बस वो छोटा क्या हुआ, वो छोटे से स्क्रीन के ऊपर, बस क्या हुआ? देखो उन बिल्डिंग वालों ने तो पागल है, फिर इसको देखना है फिर वो, बस वो बिल्डिंगों में क्या कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, क्या पागल बनाया वो सामने 2024 लिख दिया उस दिन, उसमें क्या है भाई? मैं उसके लिए बताऊं, मैं तो भाई पागल बनाया लोग यार, ना लोगों ने काउंटिंग करी बिल्डिंग पे, काउंटिंग ही जला देनी चाहिए थी, कुछ नहीं वही तो, मेरे को तो इसलिए पता था क्योंकि क्या बकवास है, दुनिया सारा पागल है, क्या करना है तुम्हें? पागल चाइनीज लोगों ने यही साले पटाखे सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, इन्होंने पटाखे चलाए, अलग एक्साइटमेंट होती है, छोड़ो यार। आखिरी में क्या मस्त वाला, सारी दुनिया को पटाखे तो यही सप्लाई करते हैं, और खुद देखो वहाँ पे पॉल्यूशन की वजह से जो भी उनके, कुछ तो कर दो, ड्रोन शो कर दो, कुछ और कर दो, जहाँ पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलो क्या हुआ, सिविलियन यहाँ पर भी आप सिविलियन के साथ मिलिट्री इंगेज करते हैं तो वहाँ लफड़ा हो जाता है पूरा। माय गॉड, देखा था क्या? एक चीज है कि अगर आप यूएस में जा रहे हैं आपको कहीं मिलिट्री नजर नहीं आएगी, पुलिस होगी मगर पता चल रहा होगा पुलिस वाला वो चलते हुए, आम इंसान ही लगेगा वो चलते आराम से चल रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो मस्ती कर रहा है, आपको ऐसे पुलिस नजर आ जाएगी। यहाँ तो पूरा तो ऐसे लग रहा था, अभी मुझे तो ऐसे लग रहा था अभी गन निकाल के मार देगा, मैं तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस बाय बंदा खड़ा है, क्या कर रहे हैं मिलिट्री, मतलब तुम टेंशन में बैठे रहते हो कि मिलिट्री 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 हर जगह, मतलब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं अपने लोगों पे है, कि तुम्हें लगता है कि जैसे कहते हैं ना गाय भैंसों को करने के लिए कि भैया एक तरफ चलते रहो डंडा लेके, वैसे इन्होंने उसको किया, मतलब उनको लगता है कि इनके लोग जो है इनके बिना लॉ ऑर्डर ही नहीं फॉलो करेंगे, डर हाँ? का माहौल किया हुआ है बहुत ही, और मिलिट्री जगह जगह है, लोगों को नजर आता है मिलिट्री मार्च कर रहे हैं और बीच में लोगों को इधर कर रहे हैं ट्रैफिक, मतलब बिल्कुल ही पूरा टेंशन का ही एनवायरनमेंट था, चाहे उनको यूज्ड हो गया मगर मिलिट्री का क्या लेना देना, उनको आदत हो गई है, उनको कुछ कर दे मिलिट्री पकड़ के ले जाएगी जेल डाल देगी, ये क्या हो रहा है? ये तो एक एक इतनी दूरी में खड़े हैं जैसे आप लोग आपको घूर ही रहे हो, ये तो ऐसे लगा कि रेडी है कि कोई कुछ करे उसको पकड़े, जैसे मूवियों में नहीं दिखाते थे कि कंट्रोल करके रखा हुआ है उस एरिया को और थोड़ा उनके ऊपर नजर रखते हैं कुछ ने कुछ गड़बड़ उसको पकड़ के ले। जो सिटीज हैं वो यूएसए से बेटर हो गई हैं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए भैया, सब जगह हर चीज उनकी बेटर है यूएसए से, बेटर तो है देखने में, मगर जो मिलिट्री लेके उन्होंने सत्यानाश कर दिया पूरा, तो आजादी नहीं लगी मुझे तो, क्या और कोई आराम से इंजॉय नहीं कर सकता, मजे नहीं कर सकता, मिलिट्री सामने बैठी है मुंह पे खड़े और साथ में तुमने फायरवर्क्स नहीं किए, किया क्या फिर इतने लोग दुनिया करने के आई थी, मुझे तो ये नहीं समझ आया, पागल थे क्या सारे जो कुछ भी नहीं हो रहा उसको देखने आए, इतनी भीड़ में धक्के खा रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री बोलना गलत होगा, दे आर फुली डेवलप्ड, ये देखकर तो लगता है तो डेवलप्ड है, अपने आप को डेवलपिंग बोलते रहते हैं कि और आगे बढ़ते जाएं, मगर दे आर फुली डेवलप्ड, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लाइटिंग यहाँ कमाल का था वैसे, और मिलिट्री बाप रे सारा मजा किरकिरा मिलिट्री ने कर दिया, मेरे को तो लग रहा था अभी पकड़ के ले जाएगी मुझे अगर मैं वहां होती तो। चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।